वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की सचिव एवं निदेशक डॉक्टर रोशन जैकब ने खनन माफियाओं पर लगाम लगाने के निर्देश दिए। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य राजस्व अधिकारी सुशील कुमार गौड़ सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सचिव डॉक्टर रोशन जैकब ने बालू और मुरंग के दामों पर कंट्रोल लगाने के साथ ही किए जा रहे खनन पर भी नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिस जिलों में बालू और मोरंग की खनन की जाती है वहां पर निगरानी रखी जाए तथा मार्केट में उनके दामों पर भी नियंत्रण रखा जाए, जिससे लोगों को आसानी से मोरंग और बालू उपलब्ध हो सके। इसके अलावा सचिव डॉक्टर रोशन जैकब ने कहा कि खनन माफियाओं पर लगाम लगाया जाए तथा पट्टा की जमीन पर ही खनन किया जाए, जिससे लोगों को उचित दर पर मिट्टी, बालू और मोरंग उपलब्ध हो सके। मगर कुछ चीजें सामूहिक रूप से भी रखना चाह रही हूँ। हम लोगों के डिपार्टमेंट की पूरा फोकस पहले से ही यही है कि मैक्सिमम एरिया से, एक तो इलीगल माइनिंग रोकना है, मगर मैं कहूंगी कि उतना ही इम्पोर्टेंट या उससे 2% ज्यादा इम्पोर्टेंट है बालू मोरंग की उपलब्धता, क्योंकि एज ए डायरेक्टर एंड एज ए डिपार्टमेंट की पहली जिम्मेदारी है कि आम आदमी को सस्ते दाम पे खनिज उपलब्ध हो पाए। तो उपलब्धता तभी सुनिश्चित होगा जब हम लोग के अधिक से अधिक क्षेत्र चले, कि वैध पट्टा चले, जब वैध खनन होगा तभी अवैध रुकेगा। रेवेन्यू के पर्पस से भी अधिक से अधिक एरिया की व्यवस्थापन, किसी ने कोई भी जिले के माइन पर बनाए हुए हैं मुख्यालय स्तर पे काफी मॉनिटरिंग, खैर मैं भी करती हूँ और ROPC भी और यहाँ पे CI, ACSE सभी से बात होते रहते हैं। तो ECs कुछ हम लोग को मिला है, कुछ मिल रहा है और तेजी से मिलेगा भी आने वाले दिनों में। तो जिलों से अपेक्षा है कि जो भी EC आपके यहाँ पेंडिंग है उसकी डीड में तब्दील जल्दी कराइए। नॉर्मली हम लोग समय लेता है, जैसे मानते हैं कि एक महीना भी हो तो आराम से उसको करते हैं। वर्तमान में होना चाहिए कि जैसे EC प्राप्त हो गया तत्काल जो प्रभारी खनन है ADM पट्टेदारक से संपर्क कर ले, उसको बुलवा ले, स्टैम्प जमा करा ले, क्षेत्र की पैमाइश करा करके उसमें डीड कर ले। अभी मैं एक पेंडेंसी सरा बोलना चाह रही हूँ, मोरंग की जो पेंडेंसी है, मोरंग की जो ECs, जैसे जालौन में एक बार मैं बोलते जा रही हूँ, एक एक पॉइंट के बाद दो तीन मिनट दिया जाएगा, जिसमें कोई भी जिला इसे डिसएग्री करना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। जालौन में 3 है जो डीड के लिए पेंडिंग, सोनभद्र 2, हमीरपुर 3, बांदा 1, झांसी 1, फतेहपुर 1, महोबा 1, ऐसे 12 प्रकरण कुल मोरंग का। बालू में देखेंगे शामली 1, सहारनपुर 1, अयोध्या 2, सिद्धार्थनगर 1, भदोही 1, प्रयाग 1, गौतमबुद्धनगर 1, फरुखाबाद 1, ऐसे कुल 9 प्रकरण बालू के। और इमारती पत्थर के महोबा में 30, झांसी के 9, बांदा के 3, प्रयागराज के 2, मिर्जापुर की 9, ललितपुर की 1, हमीरपुर की 1, ऐसे कुल 55 हमारे पेंडेंसी हैं। तो इसमें कुछ दो परिस्थिति बनती है, एक है कि डीड हो सकता है और एक है कि नहीं हो सकता, कुछ असाध्य कारण होंगे, हो सकता अभी भी पानी भरा हो या साल भर पानी रहता हो, गलती से विज्ञापन हुआ हो। दूसरा है कि कोई कोर्ट से कोई स्थगन आदेश हो, या तीसरा है कि व्यक्ति की ब्लैकलिस्टिंग हो। ऐसा कोई परिस्थिति है तो उसमें फिर अगला कड़ी है कि उसको निरस्त करके अगर क्षेत्र की दोबारा टेंडर हो सकती है तो उसको तत्काल करनी है। हम लोगों ने लॉन्ग टर्म जो 5 साल की व्यवस्था के अलावा 6 महीने की अल्प अवधि की व्यवस्था भी, नदी के लिए जो सरकारी जमीन है उसके लिए 2 तरह की व्यवस्था दिया हुआ है, एक 5 साल की टेंडर कम ऑप्शन और एक है जहां वो संभव नहीं है 5 साल तो वहां पे 6 मंथ्स की टेंडर के भी व्यवस्था दिया है। इस संबंध में मैंने कुछ 10-12 डीएम्स के साथ, मोरंग के जिलों के साथ हाल में मैंने जूम मीटिंग किया था, तब भी मैंने ये बोला था अगर आपको लगे कि क्षेत्र में बालू की आंकलन ज्यादा किया हुआ है, जिस वजह से हालांकि डीड में वो प्रॉब्लम नहीं आती है, LOI स्टेज में आते हैं कि क्षेत्र बार बार विज्ञापन हो रही है मगर कोई आगे आने को तैयार नहीं है, बिडिंग नहीं हो पा रही, 5-6 बार हम लोग विज्ञापन कर रही है, तो उसमें क्या है बालू की मात्रा को कम कराइए। हो सकता है कि असेसमेंट गलत हो जिस वजह से लोग आने पा रही है, तो उसका तरीका यह है कि आप बालू की रीअसेसमेंट करा के उसकी टेंडर कर सकते हैं। तो कहने का है कि अभी ये जो नंबर्स बोला गया है
कोई भी जिला इसमें कुछ प्रतिक्रिया करना चाहते हैं तो आप बताइए। जारी है, 3 दिन पहले मुझे बताया गया, परसों सीट तो जारी है आपका, चेक कर लीजिए। जी मैडम, इसको बुलाकर सीटी जारी हुआ, जब सीटी होता है तब फिर सीटी होता है। ठीक है, तो इम्पॉसिबल थे तो कैंसिल कर दीजिए उसको। जी मैम, जी मैम। फारुखाबाद तीन बार हुआ है, ये कायमगंज में सिनौली। जी मैम, तो अभी भी पानी है तो इसका मतलब ये समाधान नहीं हो पाएगा। उनके एक्सपोज एरिया हो, अगर एरिया घटा के रिटेंडर हो सकता हो तो देख लीजिए एक बार सर्वे। जी मैम। नमस्ते मैडम, मैं उमेश बोल रहा हूँ, जिलाधिकारी बिंदौर। इंटर बॉर्डर बैठा तो उसमें जाना था, तो मेरा एक मीटर अनुमति दे तो मैं आप समझ। आपका एक ऑफिसर कोई बिठा दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों का आज वाला इम्पोर्टेंट है, बीच में थोड़ा माइंड में भी बात होनी थी।